हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस की, ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पूरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से ओपन ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओपन ऑफिस आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे हमको ओपन ऑफिस बेस को ओपन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा। देखिए ये ओपन हो रहा है, ये ओपन ऑफिस बेस है। ठीक है, अब यहाँ से लिखा हुआ है सेलेक्ट डाटाबेस, दिख रहा है ये विंडो दिख रही है आपको, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट डाटाबेस। तो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये रेडियो बटन है और यहाँ पे दिया गया है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो न्यू डेटाबेस हम बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको रजिस्टर हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो डू नॉट रजिस्टर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करते वक्त ये जो हम डेटाबेस बना रहे हैं वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बना रहे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट के नाम से इसको सेव करेंगे। सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा जैसा आपको दिख रहा है। अब ये देखिए ये पूरा सिनेरियो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से, देखिए सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद क्वेरी बनानी है, क्वेरी बनाने के बाद फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद रिपोर्ट बनाना है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, तो ध्यान से एक एक चीज को देखते रहिएगा। तो ये देखिए ये दिया गया है यूज विजर्ड टू क्रिएट टेबल। ठीक है, ये दिया गया क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, तो यूज विजर्ड पे क्लिक करेंगे और विजर्ड पे क्लिक करने के बाद चाहे तो आप यहां से भी जा सकते हैं, ये विजर्ड से ना जाकर आप चाहे तो यहां से भी जा सकते हैं डिजाइन व्यू में। तो यहां पर आएंगे तो ये देखिए ये दिया गया फील्ड नेम। तो यहाँ फील्ड नेम में क्या देंगे, यहां पर देंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी कर दिया। ठीक है, या सीरियल नंबर ऐसा कुछ दे सकते हैं। अब इसको बनाना है प्राइमरी की, प्राइमरी की कैसे बनेगा, तो यहां से जाएंगे और ये देखिए नीचे आपको मिल जाता है प्राइमरी की। तो इसे प्राइमरी की मैंने बना दिया। ठीक है, प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, यानी एक वैल्यू जो रिपीट हो चुकी है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, प्राइमरी की का ये मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख दिया। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वेयर कैन रहेगा। ठीक है, जैसा कि दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ऊपर ये प्रोडक्ट आईडी का भी डेटा हमने, इसका भी डेटा टाइप क्या रखा है, वेयर केयर ही रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये कर दिया हमने, अब यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस की बात आएगी। तो ये प्राइस कर देते हैं, प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, तो प्राइस हम इंटीजर रख सकते हैं या डेसिमल रख सकते हैं या नंबर रख सकते हैं या फ्लोट रख सकते हैं, कोई भी इसमें से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लोट ही रख देता हूँ। तो ये फ्लोट रख दिया, फिर यहाँ पे यूनिट करेंगे तो ये यूनिट हो गया। अब यूनिट भी क्या होगा, फ्लोट हो सकता है, क्योंकि कोई सामान 2.5 किलो 3 किलो ऐसे भी खरीदा जा सकता है, तो इसे भी हम फ्लोट रख लेते हैं, बस इतना करना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये इसे मैं सेव करता हूँ प्रोडक्ट टी के नाम से, यानी प्रोडक्ट टेबल। तो ये प्रोडक्ट टी के नाम से इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टी दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी आप एंटर करेंगे प्रोडक्ट आईडी वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, जैसे मान लीजिए शुगर कर दिया हमने, शुगर हमने खरीदा लाइक 40 रुपए किलो के हिसाब से और 5 किलो खरीदा, तो इसका आप टोटल प्राइस निकालना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर अगला जो आएगा वो अगला नंबर आएगा। तो ये शुगर के बाद हम कर देते हैं राइस, RIC राइस, और राइस के बाद यहाँ पर राइस की प्राइस आएगी तो 35 रुपए किलो कर देते हैं, और यहाँ पे 6 किलो चावल की बात आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से करके आपको डेटा एंट्री करवाना है। तो ये डेटा एंट्री तो हो ही जाएगा, ये करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी मैंने एक ही टेबल बनाया है, देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी पे चलना पड़ेगा। तो टेबल तो हमने बना लिया, अब क्वेरी पे आते हैं। अब यहाँ पे दिया गया, देखिए तीन चीजें दी गई हैं, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजर्ड टू क्रिएट क्वेरी, और ये दिया गया क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। तो हमें अभी SQL व्यू में कोई क्वेरी नहीं बनानी है। ठीक है, हम कहाँ से क्वेरी बनाएंगे, ये देखिए यूज विजर्ड, विजर्ड का यूज करके क्वेरी बनाते हैं इस बार। तो इसमें सारी ही वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग किसके हिसाब से आना चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से आना चाहिए, और फिर आगे बढ़ के यस करके, और यहाँ से नेक्स्ट करके, फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये क्वेरी भी हम बना रहे हैं, तो ये क्वेरी भी देख सकते हैं इस तरीके से बनी हुई है। अब इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ से ये एडिट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल करना है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, TOTAL टोटल कर दिया हमने, और टोटल करने के बाद यहाँ पर इस फील्ड को नाम मैंने क्या दिया, टोटल दिया। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डबल एटेड कोट्स लगाना है, डबल एटेड कॉमा लगाना है। ठीक है, प्राइस PRICE प्राइस, और प्राइस डबल एटेड कॉमा क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो यहाँ पर हमारा टोटल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
तो यहां पर यूनिट को भी आपको डबल हेडेड कोट्स में लिखना होगा, ठीक है। तो डबल हेडेड कोट्स में लिख करके और फिर हम क्या करेंगे, क्वेरी को रन करवा देंगे। तो डबल हेडेड कोट्स को क्लोज कर दिया, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है रन क्वेरी, तो इस पर रन करिएगा। तो रन करते यहाँ पे देखिए टोटल आने लगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अगर प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको अलग अलग क्लिप्स खींच करके, फोटो क्लिक करके और आपको वहां डालना है, ठीक है। उसी का प्रिंटआउट निकलवा लेना होता है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे वीडियो का प्रिंटआउट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एक साथ करके मैं दे देता हूँ, अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, अलग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे टू कर दिया हमने, और यहाँ पे एक अलग प्रोडक्ट पार्ले जी, तो पार्ले जी का बिस्किट है, यहाँ पर कर दिया 10 रुपए कीमत है और 6 पैकेट लिया, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो प्रोडक्ट है वहां पे लिख देते हैं देसी घी, तो यहाँ पे देसी घी कितने रुपए किलो है, तो यहाँ पे है 670 रुपए किलो, और यहाँ पर 7 किलो लिया, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आएगी। तो इस तरीके से करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेटाबेस आप बना सकते हैं, आसान है, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे, अब हमने क्वेरी तो बना लिया, ठीक है। तो क्वेरी बनाने के बाद अब हमें फॉर्म बनाने की जरूरत है, तो यहाँ से जाएंगे फॉर्म बनाने के लिए, और यहाँ विजर्ट से जा सकते हैं, आप चाहे तो वहां से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो विजर्ट से भी जा सकते हैं। तो चलिए विजर्ट से चलते हैं, और हमें इस बार टेबल नहीं लेना, क्वेरी ही लेनी है, तो क्वेरी को ले लेते हैं। सारे फील्ड्स हमें चाहिए होंगे, सारे फील्ड्स ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर सब फॉर्म ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम कोई सब फॉर्म नहीं ऐड कर रहे, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, स्टाइल क्या रहेगी, बॉर्डर रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, 3D लुक रहेगा, फ्लैट रहेगा, कैसा रहेगा, डार्क ब्लू, कैसा आप एटमोस्फियर चाहते हो, डार्क ब्लू चाहिए, डार्क चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कैसा भी आप चाहो यहाँ पे एटमोस्फियर क्रिएट कर सकते हो ये इस तरीके से, और यहाँ पे जा करके और फिर यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से आ चुका है। तो अभी क्या हम यहाँ पर अगर कुछ डालते हैं तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ देखिए 4 डालता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, तो ये लिख दिया वाटर बॉटल। और वाटर बॉटल लिखने के बाद यहाँ पे कितने वाटर बॉटल, इसकी प्राइस क्या है, तो 40 रुपये है, और कितने, तो 30 वाटर बॉटल हमने लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें कहाँ पे डेटा एंटर करना होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप डेटा एंटर नहीं कर सकते, तो कहाँ पे एंटर करेंगे, आप क्वेरी में एंटर करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, ये क्वेरी है हमारी, सकते तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो क्वेरी पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम डेटा एंटर करेंगे, वहां पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ, और वहां पर कैसे ऑटोमेटिक अपडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं सनफीस्ट, सन FEAST सनफीस्ट, ये बिस्किट का नाम है, और यहाँ पर ये जो है 5 रुपए का एक है, तो हमने 60 पैकेट्स परचेज किए, तो यहाँ पर देखिए डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं और जाते हैं वापस फॉर्म पे और डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी सनफीस्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये कैसे नजर आएगा, सनफीस्ट कैसे नजर आएगा, इसको हमें क्लोज करना होगा, और क्लोज करके तो ये देख सकते हैं, ये जैसे ही क्लोज करके ओपन किया तो ये ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ऐसे ही चलना होगा, ठीक है। अब रिपोर्ट बनाने की बारी है, तो रिपोर्ट का यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ से जाके आप रिपोर्ट बना सकते हैं, विजिट से जाएंगे हम और यहाँ पे रिपोर्ट बना के देखेंगे। तो यहाँ देखिए तो देख सकते हैं रिपोर्ट डिजाइन होकर आ गई है इस तरीके से। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो चाहे पीडीएफ में प्रिंट कर लीजिए, इसको सेव करिए और पीडीएफ में प्रिंट कर लीजिए। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और इसको आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आपको ये प्रिंट आउट दिखेगा। तो ये देखिए ये हमारा प्रिंट आउट है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ओपन हो रहा है, देख लीजिए इसको, यही आपका पूरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डेटाबेस है। इस तरीके से ये डेटा इसको लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, सूरत सर कंप्यूटर वाले, तो आप सूरत सर कंप्यूटर वाले सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।